बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने चैनल कुदूस सलाम रेसिपी में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बीफ कीमा अंडा की। बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से रेसिपी बनाना बताऊँगी। किचन की चंद चीज़ों से रेसिपी आज हम बनाएँगे, तो आए रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कीमा अंडे की। एक किलो मैंने कीमा ले लिया है, उसी के साथ एक हड्डी वाली बोटी ली है, उसके साथ ही मैं चार से पांच प्याज ले लिए हैं, वो बारीक बारीक काट लिए है, एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, इसी के साथ थोड़े से जवे लहसुन के और तीन टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको रफली काट लिया है, इसी के साथ मैंने दो सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, साथ के साथ मैं नमक डालूंगी 1 टेबल स्पून। नमक की क्वांटिटीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं पानी डालूंगी 1 लीटर, 1 से 1.5 लीटर भी जा सकता है, प्रेशर कुकर के बगैर मैं पका रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह, कवर करके कम से कम 20 से 25 मिनट तक हम इसको पकने के लिए रख देंगे। कवर करके लिए 25 से 30 मिनट तक मैंने इसको पकाया। अब हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इसको मिक्स करके हम इतना भुनेंगे कि जिसके अंदर जो पानी है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। यहाँ पानी बहुत ड्राई हो चुका है, अब इसमें मैं डालूँगी घी। यहाँ घी डालने के बाद मैं कम से कम 5 से 7 मिनट तक मीडियम आंच पे बराबर चम्मच हिलाते हुए पकाई करूँगी। इसका इतना हमने पकाना है कि इसके अंदर जो हमने नमक मिर्च शामिल की उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक बराबर चम्मच हिलाते हुए पकाती हूँ। बुनाई इतनी की है कि घी इसके अंदर जो है सेपरेट हो गया, देखे माशाल्लाह। अब पानी डालूँगी थोड़ी सी ग्रेवी के लिए, पानी डालूँगी मैं इसमें 1 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कवर करके रख दूँगी कम से कम मीडियम से लो आंच पे, ताकि ग्रेवी जो है हमारी अच्छी तरह पक जाए, पानी इसके अंदर जितना हमें चाहिए उतना ही रह जाए। मिक्स करके कवर करती हूँ। पानी डालने के बाद कवर करके मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाया, और देखे माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त। फ्लेम ऑफ करती हूँ। अब यहाँ मैं डालूँगी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, मिक्स गरम मसाला डालूंगी इसमें 1/2 टेबल स्पून। इसको मिक्स करते हैं। इसी के साथ मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून सब्ज धनिया। इसको कवर करके 2 मिनट रेस्ट देते हैं, ठंडा होता है डिश आउट करते हैं। थोड़ी देर रेस्ट पे रखा था, ठंडा हो गया तो डिश आउट करते हैं। इस बर्तन में डालने के बाद यहाँ थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी मैं काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही साथ डालूँगी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 1 से 2 ली हैं मैं वो इसमें डालती हूँ। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, और अंडे मैंने ले लिए अपनी फैमिली के हिसाब से, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने 8 अंडे बॉयल किए हैं, वो मैं डालूँगी। बीफ अंडे की रेसिपी हमारी माशाल्लाह तैयार हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।